गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट इससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया है। वांट ऑफ फैक्टर जो है वो लास्ट टॉपिक था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लोगे, आई होप आप लोग सब पढ़ भी चुके होगे। और आज की जो क्लास है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर रहेगी और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या समझते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ द अबव टू फॉर्म्स। देखिए केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जो कि गैल्वेनिक सेल में होता है। और याद रखना गैल्वेनिक सेल में एनोड को नेगेटिव लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और वोलाटाइल सेल को पहले पढ़ते हैं। देखिए गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोलाटाइल सेल। देखिए स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो जाना, और रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जानते हो जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जो खुद से होता है और साथ साथ होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दो कंटेनर में लिया गया है। जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इस साइड को आप समझ लो, ये एनोड है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिधर रखा गया है वो कैथोड है। एनोड में देखो कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, और कैथोड में कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप देख सकते हैं दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है और वहां पे एक डिफ्लेक्शन मीटर लगाया गया है जो ये डिफ्लेक्ट होकर बताता है कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक और यू ट्यूब देख रहे होंगे जो दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जिसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाएगा, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और अगर अगर का जेली भरा रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं पूरी इसकी कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए जिंक इलेक्ट्रोड में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण जिंक इलेक्ट्रोड जिंक जो है Zn वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा इसको रिएक्शन से समझ पाएंगे, ये यहाँ रिएक्शन है। देखिए जिंक जो है वो क्या हो रहा है, Zn+2 बना लिया और दो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाया। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि एनोड में होता है। कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें Cu2+ जो है दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए दोनों रिएक्शन आई हो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी सॉल्ट ब्रिज देखिए, सॉल्ट ब्रिज जो होता है यू शेप का, वो उसमें क्या होता है और क्या काम करता है। सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप ट्यूब विच कम्प्लीट द सर्किट बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ आयन्स। इट कंटेन्स द सेमी सॉलिड पेस्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, KNO3, NH4Cl एटसेट्रा इन अगर अगर एंड जिलेटिन एंड्स ऑफ द सॉल्ट ब्रिज आर प्लग्ड विद ग्लास वूल। जो उसका एंड है, यू शेप का जो ट्यूब है उसका एंड है वो ग्लास वूल से प्लग्ड रहता है, ठीक है। देखते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अच्छा एनोड में क्या होता है वो ध्यान देंगे। यहां एनोड पे जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बना लिया। अब देखिए देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज अराउंड एनोड ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केटायन। द पॉजिटिव चार्ज अराउंड एनोड विल प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम इट। कैथोड में क्या होता है, देखो Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बना लेगा, ठीक है। तो जिन दो इलेक्ट्रॉनों को इस जिंक ने लूज किया था उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया इस कॉपर एक्वस सॉल्यूशन ने, Cu2+ ने उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया। एट द कैथोड देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस SO4-2- इन द सॉल्यूशन। दिस नेगेटिव चार्ज अराउंड द कैथोड विल प्रिवेंट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड। द रिएक्शन दस वुड स्टॉप, सो करेंट नो करेंट विल फ्लो
एंड दिस प्रॉब्लम्स विल सॉल्व इजिली बाय सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एंड मेंटेन्स फ्लो ऑफ करेंट. के प्लस आयन्स मूव टू कैथोड कंपार्टमेंट, सी एल माइनस आयन्स मूव टू एनोड कंपार्टमेंट. द पॉजिटिव चार्ज के प्लस इज मूविंग टूवर्ड्स कॉपर हाफ सेल एंड नेगेटिव चार्ज सी एल माइनस इज मूविंग टूवर्ड्स जिंक हाफ सेल. अभी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल. एनोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट, कैथोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन राइट. सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन, देख रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को. सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स फेज बाउंड्री. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. इसके बाद वाली क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ाऊंगा, जिसमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मजेदार है, सबको मजा आएगा. ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए इसी को देखकर, और इसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब.